हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांसो रंजन टुडे आई कैम वन ऑफ द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विध यू द प्रीवियस कट कट ऑफ किसका ऑफ किसकाउंट ऑफिसर और जो अकाउंट्स ऑफिसर का जो वैकेंसी आया था यूपीएससी में ओके सो यूपीएससी का जो यूपीएफ में जो यूपीएससी जो यूपीएफ ओ का जो एक्सामिनेशन लेते हैं उसमें जो कट ऑफ आया था सो सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विध यू की प्रीवियस कट ऑफ क्या था सो डेट की अगर आप प्रीवियस कट ऑफ जान पाओगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका जो कमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है so सो उसमें कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ओके सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इस एग्जामिनेशन में अपियर किए थे कितना कट ऑफ गया था कितना रिटर्न का कट ऑफ ऑफ गया था और कितना पूरा जरूर देखिएगा आपको काफी कुछ समझ आएगा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई दैट कि मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज आल्सो कमिंग ऑन जैसे कि बीडीएल का एडमिट कार्ड आने वाला है और एग्जामिनेशन डेट आ गया है ओके okay. NGC का MRPL का भी डेट आ चुका है ओके और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और भी मैन्यू मैन्यूज का आने ही वाला है, दिनों में, उसके बाद और एग्जाम बचा आपका आई सी सेंट्रल सिल्क ओके और एफ सी आई इफ यू प्रिपेरिंग क्लासेज डॉट इन हाँ एक और कुछ दिन पहले फिर कैसे आया था एम पी में उसका भी कोर्सेस अवेलेबल हो गया है मेरा वेबसाइट पे तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए so, का, का तो okay? so, okay? एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का रहने वाला है और इसमें हम काफी कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले ओके okay? तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पूरे फाइनेंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हम ही आपको बताते हैं और काफी एफर्ट लगता है आप के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी प्लीज सपोर्ट करिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल का वीडियो बार बार देखते हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो तो देखते जरूर है पर बहुत सारे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ओके सो चलिए स्टार्ट करते डिस्कशन बात किया जाए

ए, और इसमें आप देख सकते हो कि 2020 में आया था जैसा आप एडवर्टीजमेंट नंबर पे लिख भी दिया है ओके okay. so सो ये सब चीजें हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें कितने किए थे दो लाख तीस हजार आठ सौ बीस तो ये समझ लीजिए नंबर बहुत कम है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर बात की जाए फॉर्म फिलअप का तो फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा लोग करते हैं पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर करता है एग्जाम तो काफी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं ठीक है एप्रोक्सिमेटली आप रख सकते हो कि 50 50 मतलब रहता है 40 40% प्रकाश परसेंट ही लोग अपियर करते हैं एग्जामिनेशंस फॉर्म भी लगभग तो इससे डबल ही किया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज मतलब देखा जाए तो कितने कितने लोग अपियर किए थे जनरल में 82000 से ऊपर लोग अपियर किए थे ओबीसी में भी

मिला के अंदर और ओबीसी वाले एक लोग सेलेक्ट हुए टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ मार्क्स एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हाँ एक चीज मैं बता दू एक वन मोर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू डेट की आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए

आपको ज, आपके जानकारी के लिए बता दू यहाँ पे जैसे आपको दे, देख लो कि टोटल मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन थ्री हंड्रेड मार्क्स में जो जो वाले के लिए जो कट ऑफ गया था 187, तो काफी हाई कट ऑफ है अगर यूपीएससी का पेपर है तो समझ लीजिए कि पेपर थोड़ा हाई लेवल का ही रहता है उसमें भी वन एट्टी सेवन अगर कट ऑफ जा रहा है तो काफी हाई कट ऑफ गया है ठीक है यह चीज आप ध्यान में रखिएगा वन सेवनटी थ्री गया है

अनरिजर्व अनिजर्व के लिए 45 है ओबीसी और 40 40 है इसका एस और एसटी के लिए और 50 है ईडब्ल्यू के लिए ओके जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ यहाँ पे कितने मार्क्स में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ मतलब रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू मिला करके रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू मिला करके जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था वो 259.33 में हुआ था अनरिजर्व वालों के लिए 244.51 हुआ था ओबीसी वालों के लिए 234.39 हुआ था एससी वालों के लिए और 231.87 हुआ था एसटी वालों के लिए और 246.08 हुआ था एडब्ल्यूएस वालों के लिए तो ये फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था उनका यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स ओके okay. सो so, बात किया जाए मार्क्स का तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो थ्री हंड्रेड मार्क्स का यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होता है, तो होते है, है यहाँ पे सिंगल एग्जाम होता है सिंगल एग्जाम होता है एमसीक्यू वेस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है अभी भी, भी वैकेंसी आया हुआ है इस, इसका इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का और एफ आया हुआ है तो आपके पास काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है ओके okay, तो इसका प्रिपरेशन में लग जाइए हम आपके साथ आज डिस्कशन इसलिए किए इसका कट ऑफ ताकि अगर आप कट ऑफ देखोगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको प्रिपरेशन का किस लेवल तक लेके जाना आपको प्रिपरेशन को किस लेवल तक ले जाना ताकि आपका भी जब आप उस लेवल तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तभी आप समझ पाओगे आपका सिलेक्शन हो सकता है ओके okay, तो आपको अभी समय है कि काफी मेहनत करिए क्योंकि इसका एग्जामिनेशन कुछ ही मतलब महीनों में हो जाएगा क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पिछले बार की तरह डिले तो नहीं होने वाला है इस बार एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा विद इन थ्री मंथ्स या फोर मंथ के, के अंदर ही इसका एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट तो जरूर हो जाएगा उसके बाद डिपेंड करता है कि इंटरव्यू और जो भी है ठीक है तो जैसे आप देख सकते हो पे जो रिटर्न मार्क्स होता है यहाँ पे जो written, जो टेस्ट होता है और इंटरव्यू का जो बेटेज है तो टेस्ट का पे 75 होता है जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन में हो, इसका बेटेज होता है और 25 परसेंट जो बेटेज होता है वो इंटरव्यू में होता है ओके सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए ओके okay. और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आई हैव सीन दैट की मेनी ऑफ योर व्यू मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स दैट की वीडियो को तो देखते हैं वीडियो को मेरे चैनल का वीडियो तो देखते पर हैं पर हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए ओके सो आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दिया करिए ओके सो थैंक यू